जब हम फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, हमारे फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। आपको ग्राउंड में 25, 26, 27 मिनट भी लगते होंगे, लेकिन फाइनल दिन आप 23 मिनट के अंदर ज़रूर आ जाओगे। अगर फॉर्म भरते समय या किसी भी प्रकार की कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर जो सर खड़े, जब हमें फिजिकल सेंटर पर एंट्री मिलती है तो हमारा फिजिकल का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखा जाता है। अपने साथ 3-4 सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जब हम फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, हमारे फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, क्या फिजिकल के समय ही डॉक्यूमेंट्स चेकअप किया जाता है, क्या फिजिकल के समय ही हमारा मेट्रिकुलेशन का मार्कशीट या रेसिडेंशियल या आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह लगेंगे, क्या फिजिकल के समय ही बैंक का पासबुक मांगा जाएगा। तो फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपके मन में टेंशन है, कहीं ना कहीं एक शक बना हुआ है, ये क्लियर नहीं है कि फिजिकल के एक समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगती है। अब अगर कोई चेस्ट में छूट ले रहा है या हाइट में छूट लग रहा है ले रहा है या कोई एज में छूट लग रहा है तो क्या उसे कास्ट सर्टिफिकेट या डोगरा वगैरह लगेंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फिजिकल के समय में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और अपने फाइल में कितने पेन या वाइटनर या शॉर्पनर या पेंसिल वगैरह रखने हैं। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर कोई आपको बोलता है कि SSC GD का फिजिकल हार्ड होता है तो वो आपको बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। SSC GD का फिजिकल बहुत आसान होता है। देखो हार्ड उसके लिए होता है जो फिजिकल के बारे में जानता नहीं है, किसी भाई के वीडियो को नहीं देखा है। बट आप तो सारे वीडियोस देख रहे हो और आप तो मेरे शेर हो, मेरी शेर नहीं हो, आपको तो सारा आइडिया है कि कहाँ पर कैसे कवर करना है, क्या करना है। देखो SSC GD का फिजिकल उसके लिए हार्ड है जो कभी स्पीड कभी स्लो, कभी स्पीड कभी स्लो, क्योंकि जब हम स्पीड स्लो होते हैं तो हमारे बॉडी की एनर्जी बहुत ही स्पीड में डाउन की हो जाती है। बट जो एक स्टेप के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते रहेगा, मैं मानता हूँ आपको ग्राउंड में 25, 26, 27 मिनट भी लगते होंगे, लेकिन फाइनल दिन आप 23 मिनट के अंदर ज़रूर आ जाओगे। और अगर मेरी शेरनी को 9 मिनट 10 मिनट भी लग रहे हैं तो 8 मिनट के अंदर आप आराम से आ जाओगे। तो देखो फिजिकल का डॉक्यूमेंट्स जो होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि डॉक्यूमेंट्स चेकअप कब होता है। देखो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो मेडिकल के समय होता है, फिजिकल के समय आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स को चेकअप नहीं किया जाता है। मेडिकल 3 दिनों तक चलता है, पहले दिन आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, दूसरे दिन चेस्ट एक्सरे, यूरिन, ब्लड होगा और फिर लास्ट दिन आपके पूरे बॉडी को चेक कर लिया जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स चेक होगा वो मेडिकल के समय होगा, बट फिजिकल के समय भी हमारे को डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, जब आप फिजिकल देने के लिए जाना तो प्रॉपर एक फाइल लेकर जाना, फाइल में एक पेंसिल रख लेना, एक शॉर्पनर रख लेना, एक इरेजर रख लेना, एक वाइटनर रख लेना और 2 ब्लू पेन रख लेना। ब्लैक पेन लेकर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ फिजिकल का फॉर्म या जो भी डॉक्यूमेंट्स भरोगे वो ब्लू पेन से ही भरा जाता है। और वाइटनर इमरजेंसी में मैंने रखने के लिए बोला है, अगर फॉर्म भरते समय या किसी भी प्रकार की कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर जो सर खड़े रहेंगे माइक में हमेशा अलाउंस रहते होते रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, उनसे पूछ लेना कि सर मेरे से गलती हो गई, मैं वाइटनर चला लूँ या नया फॉर्म दे दोगे। तो देखो फिजिकल के लिए जो सबसे पहला ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फिजिकल का एडमिट कार्ड। फिजिकल का एडमिट कार्ड जिस दिन भी जारी होगा CRPF के वेबसाइट पर जारी होगा, वहाँ से आप फिजिकल का एडमिट कार्ड ले लेना। दूसरा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है हमारा आधार कार्ड, क्योंकि जब हमें फिजिकल सेंटर पर एंट्री मिलती है तो हमारा फिजिकल का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखा जाता है। अपने साथ 3-4 फोटो ज़रूर ले लेना। और मैं जहाँ तक बात करूँ मेट्रिकुलेशन की या कास्ट सर्टिफिकेट की या रेसिडेंशियल की, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जिन्होंने एज में छूट लिया है, जो OBC हैं या SC ST हैं, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपने साथ रख लेंगे। ऐसे चेक नहीं किया जाता है, बट अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपने साथ रख लेना। और जो जनरल वाले हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना है। जिन्होंने चेस्ट में या हाइट में छूट लिया या जो पहाड़ी हैं वो अपने साथ डोगरा का सर्टिफिकेट रख लेंगे। तो फिजिकल के लिए क्या चाहिए आपको, फिजिकल का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, अपना जो भी फ़ोटो होगा 2-4 फोटो ले लेना, और जिन्होंने एज में छूट ली होगी वो
कास्ट ले लेना, और जिन्होंने हाइट में छूट ली होगी वो अपना डोगरा सर्टिफिकेट ले लेना। आप जैसे ही एंट्री वहाँ करोगे ग्रुप वाइज बांट दिया जाएगा। मान कर चलो कि आपका जो फिजिकल होगा वो 9 बजे के बाद ही शुरू होगा। अब हम बात कर लेते हैं खाने के सामान की। देखो, फिजिकल देने के लिए आप जब भी जाओगे तो ऐसा नहीं करना कि घर से बहुत ज़्यादा चूड़ा फ्राई करवा लेना, पकवान बना देना, नमकीन बना लेना, ऐसा नहीं करना है। अपने बैग में फ्रूट्स रख लेना है, फ्रूट्स में भी एप्पल रख लेना है, ग्रेप्स रख लेना है, बनाना रख लेना है, या फिर अनार रख लेना है, या फिर नारियल पानी पीना कुछ। ये सब फ्रूट्स आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो फिजिकल का डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लगता ही नहीं है। और फाइनल दिन देखो, नहीं ग्राउंड में आपको 25, 26, 27 मिनट लगते होंगे, 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट लगते होंगे, ये मैटर नहीं रखता। क्योंकि फाइनल दिन आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आ जाती है, आप एक एक्स्ट्रा जोश के साथ दौड़ते हो। बस फाइनल दिन अपने दिमाग को सेंटर पर रखना है। और आप जो मेरे वीडियोज को देखो, मैंने जो भी बातें बताई है कि स्टार्टिंग स्लो लेना है, एक स्टेप के साथ आगे बढ़ना है, थोड़ी 500 मीटर के बाद मुंह को खोलना है, तो अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते रह गए तो आप फिजिकल आराम से निकाल लोगे। अब आपके मन में आया होगा कि भैया एक ग्रुप में कितने बंदों को रखा जाएगा, तो देखो एक ग्रुप में 70 से 100 बंदों को रखा जाएगा। उसमें से सिर्फ 50% बंदे ही फिजिकल पास करेंगे, 50% बंदे फिजिकल फेल कर जाएंगे। वो क्यों फेल करेंगे? क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी गलतियां करेंगे। अब आपको मेडिकल की भी चिंता होगी, आईज की, टीथ की, नोज की, नोकनी की, तो देखो मेडिकल की चिंता नहीं करनी है। मैं हूँ, एक बार फिजिकल अभी चल रहा है तो फिजिकल की तैयारी कर लो। मेडिकल के लिए हर छोटे छोटे पॉइंट्स पर स्पेशल वीडियो जाएंगे। और देखो, ये आपका भाई जो है ना, आपके ही साथ एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और नमक रोटी खाकर फिजिकल की तैयारी करा है, तो मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जो हूँ हकीकत बताता हूँ, मैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलता हूँ। तो मुझे मालूम है कि काजू बादाम और किशमिश खाने से फिजिकल नहीं निकलता है। अपने अंदर एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, देश से प्रेम होना चाहिए। और देखो, ये भी बात सही है कि कोई गरीब घर का बंदा ही फौज में जाता है, क्योंकि जिसके पिताजी संपन्न होंगे वो तो अपने बेटे को बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए क्या क्या करवाते हैं, राम जाने। हम जैसे गरीब बंदों के लिए ही फौज बनी है, जो 40,000-50,000 की नौकरी में हम लोग जाते हैं। एक भाई कमेंट करके बोल रहे थे कि भैया आपकी सैलरी है, तो भाई साहब माफ़ करना, अभी मैं आपको अपनी सैलरी नहीं बता सकता हूँ, बट इतना तय है कि आपकी जो ट्रेनिंग शुरू होगी आपकी मिनिमम सैलरी 30,000 रुपये से शुरू होगी। और जैसे ही आप पासिंग आउट परेड कर लोगे तो आपको मिनिमम 40,000 प्लस सैलरी मिलेगी। अलग अलग जगह के अलग अलग रिक्स अलाउंस होते हैं। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में रहोगे तो आपको 50,000 प्लस मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में भी रहोगे तो आपको 50,000 प्लस मिलेंगे। फिर भी फिजिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार के मन में सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का पर्सनली जवाब दूंगा। और मेरे से अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की हुई है, वहाँ पर आप मेरे को DM कर सकते हो और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन आराम से हो जाएगा। बट एक बात का याद रखना, आपका फिजिकल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, बाइक तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि बाइक अगर स्पीड में चलाए कहीं एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर तोड़ लिए, तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। तो घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का FIR नहीं होने देना है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।